सीएए को लेकर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर मान ग्रुप की तरफ से दी गई बंद की कॉल को बटाला में समर्थन मिलता दिखाई नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर इस बंद को ध्यान में रखते हुए बटाला पुलिस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती और इसी कारण पूरे इलाके में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तमाम बाजार और शिक्षा के आदरे खुले दिखाई दिए और आम जनजीवन सामान्य चलता दिखाई दिया। वहीं आम जनता और कारोबारियों का कहना है कि ऐसे बंद का राजनीतिक लोगों के सिवा आम जनता को कोई फायदा नहीं होता। कारोबार पहले से ही ठप है और अगर ऐसे ही बंद किए गए तो देश के साथ कारोबारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बटाला से जसविंदर वैद्य की रिपोर्ट। कल सर आज बटाले दे विच तो कोई एडा असर नहीं देखने को मिल रहा, सारा बाजार खुला आया वा, अभी रोजाना की तरह अपनी दुकान खोली है। वैसे भी बंद का असर सर लीडरां नू ज़्यादा लोगों नू परेशान करके आता वा, साडे नू बंद ना की लैणा देना, अभी तो इहो ही जो काम करांगे उहो ही रात में जाके खावांगे। जिहड़े साडे कोल मुलाजम आ रहे अगर वो दुकाना बंद रखांगे तो वह की लैके जाणगे, वो बंद होणगे तो वह भी बेचारे रोटी तो उधर होणगे। इस करके सानू बंद ना कोई इहो जिहा सरोकार नहीं, साडा तो काम ना काज ना काम है कि अपना काम करिए तो बड़ा वधिया रूटीन ना चल रहा है। इत्थे बटाला तो कोई इहो जिहा बंद वाला नहीं देखिया, हड़ताल का कोई असर नहीं है, कारोबार रेगुलर चल रहे, कारोबार अगर स्लंप जा गए ने, कोई भी दुकानदार इस मसले से हड़ताल करने के मसले से सहमत नहीं है। नजायज़ डिमांडा तो बाद कोई इन्होंने सहमति नहीं है, इसलिए कारोबार रूटीन वर्क हो रहा। हड़ताल जी इतने है नाकामयाबी है क्योंकि समा जोड़ा चला पाया भी बहुत बिजनेस का माड़ा हाल है, तो लोग नहीं चाहते भी अं रोज़ रोज़ दुकाना बंद करिए। तो इतने जोड़ा बटाले च मैं सिनेमा रोड तो बोलना, इतने सारे दुकान खुलियां ने, तकरीबन ट्रैफिक चल रहा रूटीन वाइज, स्कूल भी तकरीबन खुले ने, हड़ताल कामयाब नहीं है। ठीक है।